अस्सलाम वालेकुम। आज ईद का चौथा दिन है और मौसम बहुत खुशगवार हुआ हुआ है, बादल आए हुए हैं, हवा चल रही है। और बच्चों ने मुझे बोला था कि पापा जी आज मार्केट जाना है हमने। सबका इरादा है कि आज हम क्रीम ब्लॉक पे चलेंगे, वहाँ क्या क्या परचेज करते हैं वो सारा कुछ आपको दिखाएंगे। अच्छा जी, किस किस ने शॉपिंग करनी है आपने से? सब ने। सबसे पहले तो मैंने करनी है। फिर मैंने करनी है। आपने तो कायनात करनी नहीं थी। नहीं, मैंने भी करनी। मेरा छोटी सी शॉपिंग आपको भी आई है, चलो कर लो। कैमरामैन भी बैठ रहे हैं। ओके जी। गाड़ी स्टार्ट करने से पहले मैंने ऑयल भी चेक कर लिया था और पानी भी चेक कर लिया था। ये बहुत ज़रूरी होता है, कभी भी आप अपने घर से निकलें तो पहले ऑयल और पानी चेक कर लें, नहीं तो गाड़ी कहीं भी रुक सकती है। मैंने फ्यूल डलवा लिया, ऐसी बहुत खुश है अपनी परचेजिंग के लिए। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ यार। बातों बातों में तो पता ही नहीं चला कब क्रीम ब्लॉक आ गया। बच्चों के साथ इतने मसरूफ थे गपशप में, मौसम इतना खूबसूरत और भी ज़्यादा हो गया है कि बारिश भी अब आने लगी है, चंद एक ड्रॉप्स गिरे हैं, बड़ा प्यारा लग रहा है। क्या 50 की है ये वाली, पसंद आ रही है आप लोगों को? नहीं, ये तो छोटी है सीप की, पर सीप की साइज के देखो। कुछ शर्टें मैंने सेलेक्ट की हैं, कुछ शर्टें इनकी बहनों ने सेलेक्ट की हैं हसीब की, और कुछ शर्टें इसकी मामा ने सेलेक्ट की हैं। और अब इसको ट्राई रूम में भेज रहे हैं कि तुम जाओ ट्राई रूम में चेक करो, कोई छोटी बड़ी तो नहीं है, फिर जो इनमें सबसे ज़्यादा उसको अच्छी दिखेंगी, अच्छी लगेंगी पहनी हुई, वो फिर सेलेक्ट होंगी। कुछ शर्टें हमें पसंद आई हैं, वो हमने ले ली हैं। शॉपिंग हो गई? अरे वाह जी वाह, वेरी गुड शॉपिंग। चले आगे, अपने चले चलो। हम अब आउटफिटर्स आ रहे हैं क्योंकि और भी हमने चीज़ें लेनी हैं, इंशाल्लाह मैं अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी। अब हम इंजन से वापस बाहर निकल चुके हैं क्योंकि हमें कुछ अच्छा नहीं लगा। हाँ जी, कौन से फाइनल हुए आप मेरे? देखो तुम्हें समझ आती है, फैन भी तुम ही है। हसीब की परचेजिंग का सबसे अहम मरहला अब शुरू हुआ है क्योंकि हसीब के पास शॉर्ट्स नहीं थी और खेलने कूदने वाला बच्चा है तो वो फट गई हुई थी, तो हम उसको बार बार कह रहे थे कि नहीं लेके देनी है, लेकिन टाइम नहीं मिल रहा था। तो मार्केट में आया तो प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई थी, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह शॉप्स का एक्सपीरियंस था तो बार्गेनिंग करनी पड़ी उसे, और वो भाई साहब ने बड़े मुनासिब रेट में मैचिंग शर्ट के साथ में शॉर्ट्स वगैरह जो है ना वो हमें दे दी। जी हसीब की परचेजिंग तो हो गई है मुकम्मल, हमारा काम ख़त्म हुआ। यहाँ की परचेजिंग करते करते पता भी नहीं चला टाइम का, 9 बज गए थे तो भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही थी और बच्चों ने तो शोर मचाना शुरू कर दिया कि पापा जी अब हम खाना खा के ही घर जाएंगे, घर जाके कुछ बनाने को दिल नहीं कर रहा। तो बेगम साहिबा ने भी मुझे यही बोला कि चले जी आज आप बच्चों को बाहर से खिला दे, बहुत टाइम हो गया बाहर से नहीं खाया। तो बच्चों ने तो अपनी चॉइस के बर्गर वगैरह मंगा लिए, बहुत अच्छे थे जो हमने मंगवाए बर्गर, देखने में भी बहुत अच्छे लग रहे थे, उनका टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त था, तो एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा और जायका भी बड़ा था, मज़ा आ गया, पेट भर के हम लोगों ने खाना खाया। उसके बाद फिर हमारा वापसी का सफ़र शुरू हुआ, अब हम आ गए हैं घर अपने। बर्गर के बाद में फिर हमने कुल्फ़ी खाई, बहुत मज़ा आया, बहुत इंजॉय किया आज का दिन। आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।